हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट टू ऑफ दिस ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि कर्व को कैसे चेंज करना है, मीन्स अगर पैराबोला तो कैसे वो स्ट्रेट लाइन होगा, पॉजिटिव वैल्यू तो कैसे वो दूसरे में कन्वर्ट होगा। तो अब हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं। आप इस वीडियो से पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लो, ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स पार्ट वन, फिर आप इसमें आओ। इसमें हम लोग अभी क्या कर रहे हैं ना, कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट देखो, पहला क्वेश्चन तो यही था ना, ठीक है। अब ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आप प्रीवियस जो नोट किए हैं उसके हिसाब से आपको इसको ज्वाइन करना है। वी टी लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, तो इसके ऊपर क्या था, अपवर्ड पैराबोला। इट मीन्स इसको यहाँ से हम लोग को अपवर्ड पैराबोला से करना है, ठीक है। तो इसको आप रफ कहीं पे लिख लो कि ये जो होगा अपवर्ड पैराबोला। टू से फोर कैसा होने वाला है, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन, लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, मतलब कुछ ऐसा स्लोप। तो ये तो आइडिया लगा कि ये हमको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये क्या है, लाइन विथ निगेटिव स्लोप। लाइन विथ निगेटिव स्लोप के ऊपर क्या था, डाउनवर्ड पैराबोला। तो देखो ये पूरा कैसे ज्वाइन होगा, पहले आप क्या करो, इसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन किए, देन दिस विल बी अपवर्ड एंड दिस विल बी डाउनवर्ड। तो मैं साथ में इसीलिए ज्वाइन कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो। ये पहला का आंसर, सिंपल, टफ तो नहीं है। उसके लिए आपको बेसिक प्रीवियस पेज याद होना चाहिए, फर्स्ट वीडियो का पूरा अच्छे से। सेकंड ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन करो, उसके बाद मेरे से मिलाओ, ठीक है। मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, इसके ऊपर क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला। पॉजिटिव वैल्यू, तो लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, तो ये पहले ऐसा ज्वाइन करो, फिर ये यहाँ तक तो हुआ, ये अपवर्ड पैराबोला, स्ट्रेट नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन। यहाँ से यहाँ लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, इट मीन्स डाउनवर्ड पैराबोला। और अब देखो ये तीनों जब ऐसा है ना, इसका मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला तीनों इसमें ही आएगा, क्योंकि तीनों तो वही है, एक ही लाइन का पार्ट है। और ये फिर लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, तो अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप डॉट तो पहले ही कर चुके हैं, लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ये पॉजिटिव वैल्यू, तो इट विल बी लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। देखो ध्यान से, ये पैराबोला, ये लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, इसको पहले आप ज्वाइन कर लो, ये तो स्ट्रेट लाइन है, देन दिस इज पैराबोला, पॉजिटिव मतलब ये फिर से एक पैराबोला आ रहा है, ये अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज डाउनवर्ड बिकॉज वो लाइन विथ नेगेटिव स्लोप है, सिंपल। इसमें क्या है, नेक्स्ट इसको हमको ड्रॉ करना है, ये थोड़ा ध्यान से, मतलब मिस्टेक होने का चांसेस है, ऐसा कुछ नहीं कि मिस्टेक हो गई। ये क्या है, लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, ध्यान से, सॉरी इट इज़ नेगेटिव वैल्यू ना, ये तो नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ से यहाँ जो होगा वो लाइन विथ नेगेटिव स्लोप होगा, तो आप इसको ज्वाइन कर दो, लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप के ऊपर क्या था, अपवर्ड पैराबोला। यहाँ से यहाँ अपवर्ड मतलब कुछ ऐसा, लाइन विथ नेगेटिव स्लोप के ऊपर क्या था, डाउनवर्ड पैराबोला, मतलब ये कुछ ऐसा। लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप पूरा ये, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला। तो आपको दिख भी रहा होगा ये तीन, लाइन विथ नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड पैराबोला, देखो कितना सिंपल है। नेक्स्ट ये देख लो आप, डॉट हम लोग पहले ही कर चुके हैं, लाइन विद पॉजिटिव स्लोप अपवर्ड पैराबोला। हम लोग स्टार्ट 10 से कर रहे हैं, याद रखना 10 से वे स्टार्टेड। यहाँ से यहाँ लाइन विद नेगेटिव स्लोप, 2 से 8 पूरा ये एक ही लाइन है ना, इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये ज्वाइन ऐसा करके हो रहा होगा, फिर 8 से 12 निगेटिव वैल्यू, इट मीन्स लाइन विथ निगेटिव स्लोप, तो ये पूरा ऐसा करके जाएगा, ये क्लियर हुआ। उसके बाद ये लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, इसके ऊपर क्या था, अपवर्ड पैराबोला, तो ये पैराबोला सब ज्वाइन कर दो इसके, हो गया, ये था ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो देखते हम लोग, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कॉन्स्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट्स एट अ कॉन्स्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। इफ द टोटल टाइम इलैप्स्ड इज टी, देन इवैल्यूएट द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
सिंपल। अब ऐसा जब भी ग्राफ क्वेश्चन आना कि इतना देर के लिए एक्सेलरेट कर रहा है, इतना देर के लिए डी एक्सेलरेट, तो तुरंत आपको वी टी ग्राफ सोचना है। देखो ये वी टी कर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक्सेलरेट कितने से कर रहा है, अल्फ़ा से, तो क्या करो ऐसा करके बना सकते हैं ना। एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप का लाइन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही हुआ कि स्लोप विल बी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव स्लोप का लाइन तो ऐसा ही होता है ना। इट मीन्स इट इज़ डिनोटिंग एक्सेलरेटेड मोशन एंड इट विल बी डी एक्सेलरेटेड। अब ये टी वन टी टू हम खुद से माने, इट इज़ आवर एजम्पशन। अच्छा टी वन प्लस टी टू क्या होने वाला है, टी, ये होगा ना। अच्छा अब ध्यान से देखो कि ये लाइन का जो स्लोप होगा वही तो अल्फ़ा होगा ना, क्योंकि वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन क्या गिवन है, अल्फ़ा फॉर सम टाइम, एंड दैट सम टाइम इज टी वन। तो इसका स्लोप क्या होगा, वी मैक्स बाई टी वन एंड दैट इज़ नथिंग बट अल्फ़ा, एंड वी मैक्स बाई टी टू दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो वी मैक्स बाई टी वन अल्फ़ा, वी मैक्स बाई टी टू बीटा, यहाँ से टी वन टी टू निकाल लो, टी वन टी टू को यहाँ पे पुट कर दो, सॉल्व कर लो, वी मैक्स आ जाए, देखो और डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अच्छा वी टी कर्व का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो पार्टिकल जो है वो डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो डिस्टेंस होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डिस्टेंस। तो इसका एरिया निकाल लो, हाफ इंटू दिस इज द टोटल टाइम इंटू वी मैक्स, तो हाफ इंटू टी इंटू वी मैक्स, एंड वी मैक्स भी ऑलरेडी गॉट, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको पुट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट भी वैसा ही क्वेश्चन है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अगेन कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग 200 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन, इफ इट्स एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन आर लिमिटेड टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, देन मिनिमम टाइम द कार विल टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस इज, वी टी ड्रॉ करो, जब भी एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन तुरंत वी टी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से, जो मैं डायरेक्टली टू टी टी कैसे लिखा हूँ ना, ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन का रेट क्या है 10, डीएक्सेलरेशन का क्या है 20। इट मीन्स जो कार जितने रेट से एक्सेलरेट कर रहा था उसका डबल रेट से ये डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट होने में अगर 2t टाइम लगेगा ना, तो डी एक्सेलरेट में जस्ट हाफ लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे t और t बाई टू भी ले सकता था, बट कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इसको t लिया, तो ये डबल हो जाएगा t एंड 2t, ठीक है। अच्छा इसका मैक्सिमम स्पीड वी नॉट मान लो। अब पिछला क्वेश्चन इसमें क्या डिफरेंस है ना, कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्लोप के साथ साथ एरिया, ये एरिया अगर हम निकालेंगे तो कितना आना चाहिए 200 मीटर, बिकॉज डिस्टेंस तो ये 200 ट्रैवल कर रहा है, तो एक तो एरिया का यूज़ करेंगे, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू 3t इंटू वी नॉट। अब वी नॉट कैसे निकलेगा, स्लोप से कर लो, वी नॉट बाई 2t शुड बी इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ दिस लाइन दैट इज गिवन 10, क्योंकि एक्सेलरेशन ही तो होता है ना वी टी का स्लोप, तो इसका स्लोप 10 है, तो वी नॉट बाई 2t इक्वल्स टू 10। आप इधर से भी कर सकते हो, वी नॉट बाई टी इक्वल्स टू 20, वी नॉट बाई 2t इक्वल्स टू 10, वी नॉट बाई टी इक्वल्स टू 20, सेम ही चीज़ तो है ना, तो वी नॉट आ जाएगा 20t पुट करो तो टाइम इतना आ जाएगा टी रूट 20/3, बट मिनिमम टाइम क्या हो जाएगा 3t ना, तो 3 × t इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर दैट इज 2√15 seconds, ठीक है। नेक्स्ट अब एटी कर्व में देखते हैं, अभी तक एटी कर्व का आपको याद है, एटी कर्व का एरिया क्या देखा था, चेंज इन वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा सा पहले समझ लो, इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है। जैसे सपोज कुछ ऐसा करके है, ये एटी कर्व है ए टी, यहाँ पे स्पीड अगर यू वन है, यहाँ पे यू टू है ना, और ये एरिया मान लो ए है, तो कैसे लिखेंगे चेंज, मतलब एरिया हम कहाँ से निकाले, यहाँ से एंड यहाँ, तो फाइनल विल बी दिस, तो यू टू माइनस इनिशियल विल बी यू वन दैट इज इक्वल्स टू ए। देखो यू टू माइनस यू वन विल बी एरिया अंडर एटी, तो वो ए है, जहाँ से आप एरिया स्टार्ट कर रहे हो दैट विल बिकम द इनिशियल वेलोसिटी, एंड जहाँ पे फिनिश कर रहे हो दैट विल बी फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल विल बी द एरिया, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आसान कॉन्सेप्ट है, यू विल गेट इट। देखो ये एक एटी कर्व गिवन है कुछ ऐसा, एट टी इक्वल्स टू जीरो वी जीरो, मतलब यहाँ पे जो आपको वेलोसिटी लेना है वो ऑलरेडी जीरो गिवन है, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 20 सेकेंड। देखो सिंपल सा, एक बार मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ पे 20 सेकेंड पे आप वेलोसिटी को वी मान लो, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना गिवन है जीरो, ये एरिया निकाल के हम क्या लिख सकते हैं, वी माइनस जीरो इज इक्वल्स टू दिस एरिया, सिंपल एरिया, और ये तो जीरो है, इसमें वी इज इक्वल्स टू द एरिया, क्योंकि यहाँ जीरो गिवन है क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन में इसको दे देगा 10 मीटर पर सेकंड, तो v माइनस 10 इज इक्वल्स टू द एरिया।
इसको सॉल्व कर लो आप, इसका एरिया ट्रेपीजियम या जो आपको करना है स्क्वायर रेक्टेंगल एंड ट्रेपीजियम करके सॉल्व कर लो, यू विल गेट द एरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं ये वाला। देखो 80 कर्व गिवन है ना, एवरेज एक्सेलेशन इन अ टाइम इंटरवल फ्रॉम टी कोस टू 6 सेकंड टू टी कोस टू 12 सेकंड। अच्छा, एवरेज एक्सेलेशन का पहले फॉर्मूला भी याद करो, चेंज इन वेलोसिटी बाई टोटल टाइम। टी कोस टू 6 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, टी कोस टू 6 सेकंड पे वेलोसिटी है अच्छा वी हैव टू कैलकुलेट ना चेंज इन वेलोसिटी। देखो यहाँ का वेलोसिटी माइनस यहाँ का वेलोसिटी करना पड़ेगा ना, यही तो करना पड़ेगा क्योंकि 2L से 6 सेकंड दे आर आस्किंग, तो दिस वेलोसिटी माइनस दिस वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे कर्व कुछ कैसा है, ऐसा करके है ना, इसको आप मान लो V2L यहाँ पर का वेलोसिटी, इसको आप मान लो V6, तो V2L माइनस V6 क्या हो जाएगा, ये एरिया। अच्छा, इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा आपको और इसको नेगेटिव, तो ये एरिया आप निकालो, ये एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इट इज़ 4 इंटू 20, हाफ इंटू 4 इंटू 20 इट विल बी 40 एंड इट विल बी हाफ इंटू 2 इंटू 10, तो इट इज़ नथिंग बट 30, वो जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 30। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 14 सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी बताना है, एट टी इक्वल्स टू 0 वी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे बताएं, दिस वेलोसिटी माइनस यहाँ का 0 इक्वल्स टू दिस टोटल एरिया, और एरिया में ये पॉजिटिव लेना होगा और ये एरिया को नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन और हम लोग ये करते हैं, ये वाला। देखो एक 80 कर्व गिवन है ना, आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल एक्वायर्स इट इनिशियल वेलोसिटी। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल, ये 80 कर्व गिवन है। अब देखो इसमें क्या करना है ना, ये 1 2, ये 2, ये 0, ऐसा करके गिवन है ना। अब यहाँ पे मान लो वेलोसिटी u है, कैन यू टेल मी द वेलोसिटी एट दिस, अगर हम यहाँ पे v माने तो v माइनस u को हम लिख सकते हैं, ये पूरा एरिया। अच्छा, ये पूरा एरिया अगर आप निकालोगे तो ये 3 आएगा, तो v क्या हो जाएगा, u प्लस 3, यहाँ का जो वेलोसिटी आया दैट इज़ u प्लस 3। इसका मतलब सोचो अब क्या होने वाला है, अब ये इधर जाएगा तो हम लोग को निगेटिव आएगा, तो हम लोग कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लो यहाँ तक एरिया है 1, तो u प्लस 3 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा u प्लस 2, फिर कुछ 1, u प्लस 1, फिर कुछ 1, तो u आ जाएगा यहाँ पे। तो सपोज़ इस टाइम पे ये पूरा एरिया जो है वो इसको कैंसिल करके वी आर अगेन गेटिंग u, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए, u प्लस 3 में कितना सब्ट्रैक्ट करें कि u आए, इट शुड बी 3, और ये निगेटिव डायरेक्शन में, तो u प्लस 3 माइनस 3 यू विल गेट u। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैसे निकले, ये लेंथ कितना है, टी माइनस टू, ये जो लेंथ है दैट इज़ नथिंग बट व्हाट इज दिस लेंथ, टी माइनस टू। अच्छा, इसका जो स्लोप होगा सेम स्लोप, ये टेन थीटा से हम ये, इसको आप मान लो क्या, इसको आप वाई एज्यूम कर लो, तो थीटा इधर का टेन थीटा इज इक्वल्स टू इधर का टेन, अब इधर का टेन थीटा क्या है, टू बाई वन इज इक्वल्स टू वाई बाई टी माइनस टू, तो y आ जाएगा इतना। अब इस एरिया को आप 3 के इक्वेट कर दो, तो हाफ इंटू टी माइनस टू इंटू वाई इक्वल्स टू 3 एंड y इज 2 इंटू टी माइनस टू, तो टी माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो t यू विल गेट दिस, दिस इज द आंसर। आप इसको बहुत ध्यान से ये सारे ग्राफ को करो क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जेई मेंस एंड जेई एडवांस पे। ठीक है, ग्राफिकल कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया उसका ग्राफ बनाना है ऐसे करके। इसका एक पार्ट मैं और बनाने वाला हूँ जिसमें वी विल डील विथ AS curve and VS curve। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।